जानकारों को पहले देते हैं ना टिकट, वो तो जानकारों को टिकट पहले देते हैं ना, काम करने वालों को थोड़ी टिकट मिलती है यहाँ पे। मुझे बीजेपी से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमारी पूरी कॉलोनी का मत और समर्थन इन्हीं को जाएगा। 5 साल हमारे बीच में रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान किया है। पिछली बार जो जीते थे उन्होंने जिस दिन पहले दिन आए थे जब तक उनको वोट चाहिए थे उसके बाद उन्होंने कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। मुझे बीजेपी से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी में हमने काम किया, हमें टिकट नहीं दिया, इस बात की हमें पीड़ा है। नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है, मैं राजमान उठा रहा हूँ। आज विधाननगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के निर्दलीय उम्मीदवार ममता शर्मा से रूबरू होने जा रहे हैं। क्या ये जो वादे कर रहे हैं वो जनता के साथ जो वादे करके ये मत मांग रहे, तो क्या ये वादों पे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, आइए इनसे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्ते, आप क्या और जनता से वोट मांग रहे हो? आगे कुछ करना चाहते हैं, करेंगे। नहीं, करना तो चाहते हैं, ये तो सभी कहते हैं कि करना चाहते हैं, पर आपका मुख्य उद्देश्य होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, काम जब पार्षद बन जाऊंगी तो मैं ये काम करूंगी। पानी का व्यवस्था, रोड का, कुछ सड़कों के सफाई करना। सर, आप जो जनता से वोट मांग रहे हो तो आप क्या कह के वोट मांग रहे हो कि भाई मैं ये काम? जो भी पिछली बार मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ पार्टी का, संगठन कार्यकर्ता है, पिछले 20 सालों से हम सेवा करते आ रहे हैं पार्टी की। पिछली बार भी मेरा टिकट इन वक्त पे काट दिया गया था, अभी मैं टिकट की दौड़ में, ये नेता जी हैं ये भी टिकट के दावेदार थे, मैं भी टिकट की दौड़ में था, अब की बार भी टिकट नहीं दिया गया। तो पिछली बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 5 था उनकी, उस टाइम में 19,800 मत थे, उसमें से मेरे को 3,734 मत मुझे प्राप्त हुए थे। अच्छा, हमने 5 से 10 साल जनता के बीच में रखकर अच्छे कार्य किए हैं, मैंने लॉकडाउन के टाइम भी हमने अच्छी, लोग जब घरों में थे तब हम बाहर निकल के अच्छी सेवा की हमने, वो बोल के मुझे, मैं नहीं 36 कौम की जनता, मैं 36 कौम का लाडला बेटा बनकर मैं जिंदगी की सेवा करना चाहता हूँ, और मैंने अच्छे कार्य किए हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, अच्छे अच्छे बहुत काम तो अच्छे किए हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो भी वार्ड में कमी है, पानी की कमी है, सफाई व्यवस्थाओं की कमी है, यहाँ थोड़ी सी बारिश आती है उसमें पानी भर जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, वो जो समस्याएं हैं इनका, मैं जो आवारा पशु हैं उनकी भी काफ़ी समस्याएं हैं, कुत्ते आवारा कुत्ते वगैरह, ये जो है इनको सारी समुचित व्यवस्थाएं कर, पशुओं के लिए गायों के लिए क्या करो, बिल्कुल नियंत्रण इनका, अच्छी जगह कोई ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ा सा, जैसे गौशालाएं हैं उनमें उनको करवाना, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं मैं करना चाहता हूं। हमारे सब घर के उम्मीदवार हैं और बढ़िया से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार भी इन्होंने बहुत मेहनत की थी और मात्र 100 कुछ वोटों से रहे थे और अच्छा काम भी करवा रहे हैं और मतलब जनता के बीच रहते हैं, तो यही सोच के इन्हीं को वोट दिया जाएगा। हमारी पूरी कॉलोनी का मत और समर्थन इन्हीं को जाएगा जी, इनके काम के भी, इनके चेहरे पे नहीं, इनके काम को देखते हुए इनको वोट देने जा रहे हैं जी, मतलब काम पे दे रहे हो आप? बिल्कुल सर, 5 साल हमारे बीच में रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान किया है, आधी रात को भी हमने फोन किया है तो अगले ना आके और हमारी समस्या का समाधान किया है। हम सब कमलेश तिवारी जी के साथ हैं, पिछली बार 150 वोटों से भी हार गए, इन्होंने गली में इतना सुधार किया है अपने वार्ड में। पिछली बार जो जीते थे उन्होंने जिस दिन पहले दिन आए थे जब उनको वोट चाहिए थे उसके बाद उन्होंने कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, काम के लिए जाते थे तो ऐसे कहते थे कि आप एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद में कह देते थे ये हमारा काम नहीं है, इसलिए हम तो कमलेश तिवारी के साथ ही भी समाज सेवी हमें जनता की सेवा करनी है और जनता हमें खुद खड़ा किया है, हम खुद खड़े नहीं हो रहे भैया, हमें जनता चाह रही है। बिल्कुल, बीजेपी में हमने काम किया, हमें टिकट नहीं दिया, इस बात की हमें पीड़ा है, बीजेपी हमारी माँ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे टिकट क्यों काट दिया हम ये देखना चाहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है बाकी नेताओं को बीजेपी निष्कासित कर रही है, क्या कोई नहीं हमारे में काबिलियत है, हमें बीजेपी वापस लेगी। पार्टी ने टिकट क्यों काट लिया? आप कह रहे हो कि ये काम करवाते हैं तो पार्टी ने इनकी टिकट क्यों काट ली? वो तो जानकारों को पहले देते हैं ना टिकट, वो तो जानकारों को टिकट पहले देते हैं ना, काम करने वालों को थोड़ी टिकट मिलती है यहाँ पे, काम करने वालों को टिकट नहीं मिलती है। मेरा दिनेश कुमार शर्मा नाम है, मैं वार्ड नंबर 11 से बिलोंग करता हूँ। मैं कमलेश तिवारी को वोट दूंगा, मेरा पूरा समर्थन, मेरा पूरा कॉलोनी का समर्थन, क्योंकि ये ऐसे नाइस आदमी हैं जिन्होंने वार्ड का और अन्य किसी भी वार्ड में जाकर के इन्होंने अच्छा सकुशल कार्य करवाया है और इनकी सहमति बहुत ही बढ़िया है।